भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर तैनात सैनिकों के लिए फिनलैंड से आयात नवीनतम स्नाइपर राइफलें शामिल की हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि नवीनतम स्नाइपर राइफल को सेना में शामिल किया गया है। जवान अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साको .338 TRG 42 स्नाइपर राइफल्स हैं। साको .338 TRG 42 स्नाइपर राइफल्स पहले से मौजूद हथियारों के मुकाबले बेहतर रेंज वाली हैं और इनकी मारक क्षमता भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर तैनात स्नाइपर्स को नई राइफलों से ट्रेंड किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि ये कदम नियंत्रण रेखा पर स्नाइपर्स को और अधिक घातक बनाने के लिए उठाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा IEB के साथ आगे के इलाकों में गश्त कर रहे सैनिकों के लिए स्नाइपिंग एक बड़ी चुनौती रही है। 2018 और 2019 के बीच LOC और IEB पर स्नाइपिंग की घटनाओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई, जिससे सशस्त्र बलों को बेहतर स्नाइपर राइफलों को शामिल करने और इस तरह के हमलों के खिलाफ अपने स्नाइपर्स को ट्रेन करने का कदम उठाना पड़ा। साको राइफल्स ने बरेटा की .338 लापुआ मैग्नम स्कॉर्पियो TGT और बैरेट की .50 कैलिबर AM-95 की जगह ले ली है, जिन्हें 2019 और 2020 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इटली और अमेरिका में बनी इन राइफलों को पुराने रूसी हथियारों ड्रैगनोव की जगह ली थी। 1990 के दशक में पहली बार खरीदे गए ड्रैगनोव धीरे धीरे समकालीन स्नाइपर राइफल से पीछे हो गए हैं। नई राइफलें बेहतर दृश्य देने के साथ साथ सटीकता से 1 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज प्रदान करती हैं। साको TRG 42 स्नाइपर राइफल एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है, जिसे फिनलैंड बंदूक निर्माता साको द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस राइफल को शक्तिशाली .338 लापुआ मैग्नम आकार के कारतूसों से फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारी ने कहा कि बिना गोला बारूद के 6.55 किलोमीटर वजनी स्नाइपर राइफल की प्रभावी रेंज 1500 मीटर है। ये दुनिया भर में सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियारों में से एक माना जाता है। आपको क्या लगता है कि ये स्नाइपर राइफल दुश्मनों के खात्मे के लिए कितनी असरदार साबित होने वाली है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।